माँ, कल महाराज रियासत का राजा भी उसे बना देंगे। अगर शक्ति को राजा बनाना होता तो अपनी बहन के विधवा होते ही चालाकी से उसकी रियासत को हम अपनी रियासत में शामिल नहीं कर लेते। शक्ति के सेनापति बनने से माँ बेटे दोनों का मुंह हमेशा के लिए बंद। लेकिन हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? अरे युवराज जी, शंभू जैसे मामा जी के होते हुए आपको किस बात की चिंता है? शक्ति तलवार चलाएगा और आप राज करेंगे, वो भी सिर्फ अपनी रियासत पर नहीं बल्कि पड़ोस वाली रियासत शिवपुर पर भी। वो कैसे? रियासत शिवपुर के महाराज गंगाधर जी ने अपनी बेटी राजकुमारी मीनाक्षी का हाथ आपके हाथ में देने की ख्वाहिश जाहिर की है। राजकुमारी मीनाक्षी? अब बात समझ में आई राजकुमार जी? जाइए, स्वागत की तैयारी कीजिए, कल यहाँ पहुँच रही है राजकुमारी मीनाक्षी से। राजकुमारी जी आइता जी। राजकुमार जी, आप ठीक तो हैं? शट अप जी। दरमियान सिंह, ये घोड़े हैं या गधे? गधे गधे। चुप गधे। जी जी। राजकुमार जी, राजकुमार जी, ये पहिया टूट गया। ओ शट अप। ए सिपाहियों, हमारे आराम के लिए टेंट लगाओ और कहीं से पहिया बनाने वाले को लेकर आओ। हम रामगढ़ अपनी सवारी पर ही जाएंगे और आप जी और आप अपना काला मुंह धोकर आइए पानी से। अब मेरे सिपाही तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देखिए डाकू ने हमारी क्या हालत बना दी, हमारे सारे आदमियों को मार डाला। हम उन्हें गोली से उड़ा देंगे, कहाँ है वो? गोली चलाने के लिए ताकत है आपके हाथ में? गोली। इससे पहले कि ये मर जाए, पूछो इससे कि असली डाकू कौन है। हम बकवास सुनने के आदि नहीं हैं। हमारी आदत है कि दूसरों को अच्छी आदत सिखाएं। भाग्य आपका पालतू कुत्ता। तमीज से बात करो। हमारे कब्जे में रहोगी ना तो तमीज भी सीख जाओगी। वो राजकुमारी जी का है। सुरीली रास्ते से हटती नहीं, रास्ते से हटाती है। राजकुमारी राजमहल पहुंचेगी, लेकिन वो राजकुमारी सुरीली होगी। सुरीली, तुम तैयार हो जाओ। मैं? चिंता की कोई बात नहीं, हाँ तो राजमहल में तुम्हें कोई पहचानता है और ना ही मीनाक्षी देवी को कोई जानता है। ये ताजा ताजा इंग्लिस्तान से आई है। मगर मेरा मतलब है शहजादी साहिबा के तौर तरीके। तौर तरीके? बदतमीजी से बात करो
इंसान को इंसान मत समझो तो अपने आप मीनाक्षी देवी बन जाओगी। युवराज जी लकड़ी के घोड़े पर? लकड़ी का घोड़ा नहीं, बाइसिकल। लंदन से हमारे लिए खास तोहफा भेजा गया है। दरबान, कौन आया है? आया? आई को आया किस गधे के बच्चे ने कहा? कौन हो तुम? राजकुमारी मीनाक्षी देवी को न पहचानने वाला शायद गधे का बाप है। राजकुमारी जी, आपका गुस्सा बजा है। हमारा गुस्सा कोई चौराहे का घंटाघर नहीं, जो बजा है, समझे? ये तो बड़ी बदतमीज है भाई जी। यदि शादी के बाद इनकी रियासत अपनी है, उसके बाद इसे तमीज हम सिखा देंगे। तब तक ये जूते भी मारे ना, उसे बर्दाश्त करते रहो। अरे जाओ ना, जाओ स्वागत करो। हम राजकुमारी मीनाक्षी देवी हैं। भोजन? मीनाक्षी देवी कोई जानवर नहीं जो टुकड़े खाए। ले जाओ और फेंक दो अपने सरदार के सामने। जो लोग अनाज का अनादर करें वो इस लायक नहीं होते कि उन्हें जानवरों का बचा हुआ खाना भी दिया जाए। हम पूछते हैं आखिर तुम चाहते क्या हो? हीरे जवाहरात? ये लो, ये लो, ये लो। भारत भैया, कोई खबर? सुरीली ने महल से खबर भिजवाई है कि देश के अनमोल हीरे मोती जवाहरात और देवी देवताओं की सदियों पुरानी मूर्तियां एक बहुत बड़े जहाज पर लाद दी जाएंगी। लाद दी जाएंगी, और वो जहाज उन अनमोल चीजों को लेकर हिंदुस्तान से इंग्लिस्तान चला जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक दिन एक जहाज हमारे देश से हमारा कोहिनूर हीरा ले गया था। तुम लोग तैयारी करो। जी। मान लो कि तुम हमेशा की तरह आज भी कामयाब हो जाओ तो क्या होगा? कहाँ जाएगा वो सामान? कौन ले जाएगा वो हीरे जवाहरात? एक चोर, एक डाकू, लुटेरा? हम पूछते हैं वो लूट का माल जाता कहाँ है जिसके लिए तुम लोगों का खून करते हो? ये क्रांति, ये इंकलाब सिर्फ एक झूठा नकाब है तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के चेहरों पर। कमजोर आत्मा आंखें भी कमजोर कर देती है। अगर नकाब के पीछे असलियत देखना चाहती हो ना तो मेरे साथ ऊपर चलो। ये हमारा शोमू मलमल बनाया करता था, ढाके की मलमल, जिसका पूरा का पूरा थान एक छोटी सी अंगूठी से निकल जाया करता था। लेकिन अंग्रेजों ने इसके साथ ये जुल्म किया। राजकुमारी, ये हाथ सिर्फ शोमू के नहीं कटे बल्कि हिंदुस्तान की कला के कटे हैं। ये किसान अपनी थोड़ी सी जमीन पर खेती बाड़ी किया करता था। बाढ़ आई, फसल तबाह हो गई, लगान नहीं चुका सका। ये लगान की माफी के लिए ये मामूली से अंग्रेज अफसर के पास गया तो वही हुआ जो अंग्रेज करते हैं। किसान की आंखों में लोहे की गर्म सलाखें डाल दी गईं और इसे अंधा कर दिया गया। औरत अपने परिवार की परंपरा के अनुसार अपने पति की चिता के साथ जल के सती होना चाहती थी। फिर? कि अंग्रेजों ने इसे चिता से उठा लिया और उस रात ना जाने कितने अंग्रेज सिपाहियों ने इस औरत की इज्जत को लूटा और पागल हो गई। इतना जुल्म हुआ इस देश में, इस देश के लोगों पर, और हमें कुछ भी नहीं मालूम। तरस आता है आप लोगों पर, आप लोगों की आत्मा की ओढ़नी, भावनाओं की चुनर बिल्कुल दागदार हो चुकी है। हम तैयार हैं। अच्छा तो राजकुमारी मीनाक्षी देवी, डाकू चले डाका डालने, क्योंकि हर दागदार चूनर को धानी करने के लिए तन, मन, धन सभी की जरूरत होती है।
क्या लगता हूं? जो हो। फिर पूछा क्यों? जानते हो हमारा रास्ता रोकने की क्या सजा है? शायद आप नहीं जानते कि हमारे रास्ते पे कदम रखने की क्या कीमत है। ये रास्ता तुम्हारे बाप का है? ये नहीं, ये रास्ता आपके बाप का है, और आपके बाप ने मुझे बेटा बना के कहा था कि बेटे अपनी मां की रक्षा करना। मिट्टी तो सबकी मां होती है रास्ता रोकने वाले। तो हम एक ही मां के बेटे हुए ना, रास्ते से हटाने वाले। हमारे एक इशारे पर हमारे सिपाही तुम्हारा सर कलम कर सकते हैं। सबसे बड़ी कलम तो ऊपर वाले के हाथ में है सेनापति। देखें वो हमारी इस मुलाकात का क्या फैसला लिखता है। सेनापति खुद अपनी तलवार से तकदीर लिखता है। तलवारों से लिखी हुई तकदीर को बदलना हमारा हर रोज का काम है सेनापति। और ये भी सुन लो कि इन गाड़ियों में जो हमारे देश की अनमोल चीजें हैं ना, हम इन्हें इंग्लिस्तान नहीं जाने देंगे। सेनापति, जब जन्म देने वाली मां पास ना हो ना, तब ये धरती मां आंसू तो आंसू, खून का बहना भी बंद कर देती है। और हां, अगर इस मिट्टी से फायदा पहुंचे ना, तो इसका कर्ज चुका देना।